आई थी बांगुर नगर पुलिस स्टेशन अपने भाई के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, जिसने मुझे मारा था। पूरी जब उन्हें जानते नहीं हो, आपको 2 सेकंड लगता है वो चीजें रिपोर्ट करने के लिए। वो इतना अच्छा है, इतने सालों की अच्छा ही सेवन। उनके सिस्टर के कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ खास अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे आपने स्टार्टिंग में छोटा सा वीडियो देखी लिया हूं, जो कि मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला, क्योंकि अदनान सुजन के टीम का एक बंदा जो कि एक हिंदू लड़का है वो कुछ सामने से आता है और अदनान सुजन के बारे में क्या बोलता है मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अदनान सुजन के सिस्टर के बारे में कुछ खास अपडेट जान लीजिए। जैसा कि आप सभी को पता हो कि अदनान सुजन के सिस्टर ने कई सारे वीडियो शेयर करके बताया कि अदनान सुजन ने इनको मारा पीटा, उनके ससुर को मारा, यहां तक कि उनका हाथ वगैरह तोड़ दिया, मतलब उनके ससुर का। आपने यहां तक के अपडेट देखी होंगी, लेकिन आपको बता दो उसे आगे की अपडेट निकल कर आ रही है कि अदनान सुजन की जो सिस्टर है उन्होंने FIR दर्ज कर लिया और उसकी कॉपी भी आपको दिखी रहेंगी। मतलब कहीं ना कहीं आपको बता दूं अदनान सुजन के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और कभी भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आपको बता दूं अदनान सुजन के सिस्टर ने फिर एक और चीज शेयर करी अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी के अंदर, जो कि आपको साइड में दिखी रहेंगी, जो कि मैं आपको सुना नहीं सकता, जो कि एक रिकॉर्डिंग है जिसके अंदर अदनान सुजन की आवाज है और कहने के वो गाली गलौज कर रहे हैं। और इनके कहने का मतलब है कि वो उनके फादर को कर रहे हैं, मतलब उनके अब्बू को गाली गलौज कर रहे हैं। वो सारी चीजें उसके अंदर बोल रहे हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं दिखा सकता, क्योंकि कुछ गाली गलौज है यूट्यूब के खिलाफ है। अब ये तो थी अदनान सुजन के सिस्टर की यहां तक के अपडेट, लेकिन इसके आगे की अपडेट जान लीजिए। आप सभी को बता दो अदनान सुजन के सपोर्ट में कई सारे लोग उतरे और कहने के आपको बता दो अदनान सुजन के सिस्टर को ट्रोल कर रहे हैं और उसी के साथ अदनान सुजन के सपोर्ट में क्या बोल रहे हैं उनके खुद टीम के मेंबर जो उनके साथ काम करते। तो आप सबसे पहले उनका ये वीडियो देख लीजिए। जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हूँ राहुल परमार और मैं कुछ बातें बताना है जो सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी हो रही है अदनान भाई के बारे में। बहुत गलत बातें फैलाई जा रही है, मैं कुछ सच्चाई बताने आया हूँ जो मैं उनको इतने सालों से जानता हूँ। मैं काफी सालों से उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ और मैं काफी सालों से उनको जानता हूँ। जितने उनके टीम मेंबर्स है ना, मोस्टली हिंदू है, अभिषेक, अनमोल या फिर मैं, हम सब एक थाली में बैठ कर खाते हैं। तो जब ऐसी चीजें सुनने मिलती है कि वो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करते हैं तो बहुत गलत लगता है, क्योंकि आज भी अगर उनको रात को 3 बजे कॉल करूं ना मैं, तो वो इंसान उठकर आ जाता है। वो खुद का नुकसान करवा लेता है बट दूसरों का नहीं होने देता। जो इंसान एक बार भी उनको मिला होगा ना, अब उससे जाकर पूछना वो इंसान कैसा। वो खुद का नुकसान करवा लेता है बट दूसरों का नहीं होने देता। तो ये जो लोग भी रिपोस्ट करते हैं ऐसी नेगेटिव बातें, फालतू बातें जो लोग रिपोस्ट करते हैं, प्लीज मैं आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसी चीजें ना फैलाएं, क्योंकि आप उन्हें जानते नहीं हो। आपको 2 सेकंड लगता है वो चीजें रिपोस्ट करने के लिए। वो इतना अच्छा है, इतने सालों की अच्छाई है, 1 सेकंड में आप लोग उस पर पानी फेर देते हो। तो आप लोग रिपोस्ट करते हो तो थोड़ा सोच समझ कर करो कि हम रिपोस्ट क्या करें, अच्छी चीजें भी फैलाओ ना। वो इतने सालों से अनाथ आश्रम जाते हैं, वहां पर राशन देते, ये सब चीजें अच्छाइयां भी करते, वो सब चीजें फैलाओ। हाँ, तो आपने उनका वीडियो देख ही लाऊंगा, आप सभी को बताते चलो। अब कहीं ना कहीं अदनान सुजन को भी सपोर्ट मिल रहा है उनके फैंस की तरफ से, उनके चाहने वालों की तरफ से, उनके करीबियों की तरफ से, क्योंकि अभी तक अदनान सुजन का कोई रिएक्शन निकल कर नहीं आया। अब कई सारों का कहना है कि भाई अदनान सुजन इसलिए अपना रिएक्शन नहीं दे रहे क्योंकि उनकी सगी बहन है और सगी बहन को बदनाम नहीं करना चाहते। ऐसे कई सारे लोग अपनी अपनी तरफ से राय रख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दूं रियल में अभी तक अदनान सुजन का कोई रिएक्शन निकल कर नहीं आया कि अदनान सुजन की इस पर क्या राय रहने वाली है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, जो अदनान सुजन की सिस्टर कर रही है वो सही है गलत है? क्या आपको लगता है कि अदनान सुजन की सिस्टर रियल में सही है या फिर वो बदनाम करने की कोशिश कर रही है? कमेंट करके जरूर बताएं और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं। जो भी अपडेट निकल कर आएंगे आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए।